अब आगे बढ़ते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर हमारी जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान अंजमन तहफ़्फ़ुज़ उलमाए किराम अहले सुन्नत पाकिस्तान और पाकिस्तान फलाही पार्टी PFP के ज़ेरे तमाम प्रेस क्लब कसूर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी पर मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद आशिक डोगर। जावेद आशिक, बताइएगा इस हवाले से। बाकी सारे तकरीबन आते हैं, हमारी जो हुकूमतें हैं वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर पैरा हो सके। हमेशा से आवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमेशा से तादिर ने कुर्बानियाँ दी हैं। हम ये मुतालबा करते हैं अपनी वक्त की हुकूमत से कि इंडिया के साथ मुकम्मल जो है बाईकाट किया जाए, सफारती सतह में बाईकाट किया जाए और एक तगड़ा मैसेज दिया जाए पूरी दुनिया को। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर पिछली इमरान हुकूमत फ्रांस के उस सफीर को निकाल देते तो आज इस कुतिया को ये जरूरत ना होती कि आज हुजूर की बारगाह में ये व्यक्त भी करते। आज हम प्रेस क्लब कसूर के बाहर हम सारे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे कोई तंजीम नहीं है, यहाँ पे हम तमाम मुसलमान लेवल पे इकट्ठे हुए हैं और हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि उस मुल्ला को निशान इबरत बनाया। हुजूर की इज्जत की खातिर जो जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया, आज उनका नाम जिंदा है, आज उनका किरदार जिंदा है, आज उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा जिंदा है।